आईकेडी के अंदर जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पे हैं, और जो स्टाफ हैं वो सब इमरजेंसी ओपीडी, इमरजेंसी ऑपरेशन, और साथ के अंदर जो बच्चों का ट्रांसप्लांट है वो सारी ऑपरेटिव प्रोसीजर्स आज हो रही हैं। जो चीज़ है कि जो बंगाल में हुआ वो बहुत दुखजनक है, और डॉक्टर समाज और पैरामेडिकल समाज देश की धरोहर है। अगर ये देशवासी इस धरोहर को नहीं संभाल पाएंगे तो आने वाले उसमें डॉक्टर्स बनने कम हो जाएंगे, और अभी जो डॉक्टरों की संख्या है देश में वो और कम हो जाएगी। इस ऐसे इंसिडेंसेस से सारे जो डॉक्टर समाज डिप्रेस रहेंगे, उनके बच्चे डॉक्टर नहीं जाएंगे, और बाहर वाले जो नॉन मेडिकल पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को डॉक्टरी में नहीं भेजेंगे, तो अल्टीमेटली तो देश के हेल्थ सेक्टर के ऊपर आज नहीं पर 5 से 7 साल के अंदर इसकी इफ़ेक्ट देखने को मिलेगी।